एक और फैसला आ गया, बानी चेयरमैन पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को तोशाखाना केस में सजा, 14 साल कैद बामुशक्कत और 1,57 करोड़ रुपए जुर्माना। साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ 10 साल के लिए ना अहल करार। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने डियाला जेल रावलपिंडी में समाअत के दौरान फैसला सुनाया, बुशरा बीबी अदालत में पेश ना हुई। बुशरा बीबी अडियाला जेल में मौजूद, साबिक खातून अवल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर एहतसाब अदालत के फैसले की इत्तला मिली। सजा का सुनकर साबिक खातून अवल अडियाला जेल चली गई। बुशरा बीबी निकाह केस में पेशी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंची। अमेरिका ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म को सजा कानूनी मामला करार दे दिया। अमरीकी महकमा खारिजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा, कानून के मुताबिक फैसला करना पाकिस्तानी अदालतों का काम है। अमरीका पाकिस्तान में जमहूरियत की बका चाहता है, ऐसा जमहूरी अमल हो जिसमें तमाम जमातें कानूनी और जमहूरी कवायद और जवाबत का ख्याल रखें। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करना चाहते। अमरीका पाकिस्तान में साफ शफाफ इंतखाबात चाहता है। सूरत हाल मोनिटर करते रहेंगे। आम इंतखाबात 2024 का काउंटडाउन 8 के नंबर पर आ गया। इलेक्शन कमीशन का हंगामी इजलास, कुछ हलकों में बैलेट पेपर्स की दोबारा छपाई पर गौर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेरे सदारत इजलास में मेंबरान ईसीपी प्रिंटिंग प्रेस के एमडीज की शिरकत। इस मरहले पर दरकार खसूसी सिक्योरिटी, कागज की दस्तियाबी और बरवक्त छपाई की तकमील बड़ा चैलेंज। तमाम हलकों के बैलेट पेपर्स की तबाद के बाद बच जाने वाले कागज से मशरूत करने का फैसला। पीपी 244 बहावल नगर में कागजाती नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील, सुप्रीम कोर्ट ने सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को तलब कर लिया। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस सुना। हम्माद अजहर का इलेक्शन से दस्तबरदारी का ऐलान, सुप्रीम कोर्ट से कागजाती नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील वापस ले ली। नून लीग ने नारोवाल में रंग जमा दिया, जलसा गाह में पैना फ्लेक्स और पार्टी परचमों की बहार। मतवालों को नवाज शरीफ और मरियम नवाज के पुरजोश खिताब का इंतजार। हमजा शहबाज ने कसूर में इंतखाबी मोर्चा संभाल लिया, एनए 132 में रैली की कयादत करेंगे। कोर्ट राधा किशन में खिताब की तैयारियां मुकम्मल। पीपल्स पार्टी की इंतखाबी मुहिम का आज बटखैला मालाकंड में पड़ाव, जफर पार्क में पंडाल सज गया, बड़ा स्टेज तैयार। बिलावल भुट्टो पुरजोश खिताब से जियालों का लहू गरमाएंगे। आसिफा भुट्टो सिंध के इंतखाबी महाज पर सरगरम, हैदराबाद में रैली निकालेंगी। जियालों ने जगह जगह इस्तकबालिया कैंप लगा दिए। इलेक्शन करीब आते ही रेंटेकार का कारोबार भी चमक उठा, उम्मीदवारों और उनके हामियों ने एडवांस बुकिंग करा ली। फैसलाबाद में 24 घंटे के लिए पराडों का कराया 40,000 रुपए वसूल, फॉर्चूनर 35,000, वीगो डाला 30,000 और करोला की 30,000 में बुकिंग जारी। कई हुकूमतें बदली, हुक्मरान आते और जाते रहे, नहीं बदली तो गरीब की हालत नहीं बदली। कोयटा के बाचा खान चौक पर बैठे मजदूर ना उम्मीद, कहते हैं वोट लेने के बाद हुक्मरान वादे भूल जाते हैं। महंगाई के मारे अवाम दो वक्त की रोटी के लिए परेशान, लाहौर में सब्जियां भी गरीब की पहुंच से दूर। प्याज 10 रुपए किलो मजीद महंगे, कीमत 260 रुपए तक जा पहुंची। मटर 300, सब्ज मिर्च 220 और टमाटर 130 रुपए किलो बिकने लगे। लहसुन 700 और अदरक 650 रुपए किलो फरोख। बिजली और गैस की बंदिश से जिंदगी अजीरन, कराची से पिशावर तक लोड शेयरिंग मामूल बन चुकी। गैस का कम प्रेशर भी अजाब बन चुका। खवातीन को घरों में खाना पकाने में दुश्वारी का सामना। फैसलाबाद के बेशतर इलाकों में गैस गायब। शहरियों का कहना है महंगाई एलपीजी खरीदने की सक्कत नहीं दे रही, होटलों से खाना मंगवाने पर मजबूर हो चुके। हुकाम से गैस और बिजली की बिला तातुल फराहमी का मुतालबा कर दिया।
बर्फबारी और बारिश से खुश्क सर्दी का माहौल बदल गया। बालाई इलाकों और कश्मीर में सफेद गालों की बरसात। सवात, मानसहरा, एबटाबाद, बालाकोट, वादी तेरा और मुजफ्फराबाद में पहाड़ों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। मरी और गलियात में बर्फबारी से सड़कें बंद। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और बलोचिस्तान के बेशतर शहरों में बारिश। लाहौर में वक्फे से रिमझिम। कराची में आज भी काली घटाओं का राज। सिंध की साहिली पट्टी पर आज भी बारिश का इम्कान। पंजाब में नमूनिया की वबा पर काबू ना पाया जा सका। मोहलिक मर्ज, मजीद 13 मासूम जाने निकल गया। हालिया लहर के दौरान जहां बहक बच्चों की तादाद 288 हो गई। 24 घंटे के दौरान मजीद 1045 बच्चे नमूनिया का शिकार। लाहौर में भी एक बच्चा दम तोड़ गया। सूबाई दारुल हुकूमत में अमवात की तादाद 57 हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 231 पॉइंट का इजाफा। 62,072 की सतह पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में डॉलर 25 पैसे सस्ता 279.30 रुपए में फरोख्त होने लगा। बात की जाए पीटीवी ड्रामों की तो इशरत हाशमी को कौन भूल सकता है। बर्जस्ता जुमलों और हकीकत के करीब अदाकारी से दिलों में घर कर जाने वाली अदाकारा की आज 19वीं बरसी मनाई जा रही है। हम पुरज़्म हैं आपको आगाह करने के लिए। अगर आप दुनिया भर से हासिल होने वाली इत्तलात, मालूमात और खबरें जानना चाहते हैं तो अभी सुनो न्यूज़ का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।